जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, जो आज का वीडियो स्पेशली ये है कि एसएससी जीडी वाले जो ज्वाइनिंग लेटर आए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ फेक लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर आया नहीं है। अगर ज्वाइनिंग लेटर आता तो क्या एक का आता, 54,000 में से किसी एक का आता? तो पहले इस वीडियो को क्लियर करूंगा, साथ में इसमें कुछ आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें ताकि आपको कुछ आने वाली बातों के बारे में पता चले। जो इन ज्वाइनिंग लेटर में कुछ खास बातें लिखी उसके बारे में भी एक दो पॉइंट है, वो भी क्लियर करूंगा इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए। पहले इस बात का जवाब दे देता हूँ कि 54,000 से मतलब नहीं। अब 54,000 को डिवाइड कर दिया गया हर एक डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या कर दिया गया कि हर एक डिपार्टमेंट अपनी ज्वाइनिंग अब ग्रुप सेंटरों में डिवाइड कर दी है। जैसे अजमेर अलग है, दिल्ली अलग है, गुड़गांव अलग है, आवड़ी अलग है, नीमच अलग है, इन सभी ग्रुप सेंटरों ने क्या किया, डिवाइड करके सीटें और ये दे दिए, भाई अब आप ज्वाइनिंग कराओ अपनी सुविधा के हिसाब से, दो चार दिन आगे पीछे। तो दोस्तों, जो ज्वाइनिंग लेटर आया है ना, वो क्या है कि जहाँ पर डाक सेवा जल्दी पहुँच गई, जहाँ से नज़दीकी दूरी है तो वहाँ पर जल्दी पहुँच गया, तो इसलिए वो जल्दी आपको मिल गया। बाकी अब मैं आपको और बता दूँ, और आगे ज्वाइनिंग लेटर और भी मेरे पास में दो तीन फोटो आई ज्वाइनिंग लेटर की, इसमें एक आईटीबीपी का भी है, आईटीबीपी वाला तो आपने पहले देखा, और सीआरपीएफ का भी आ रखा है, सीआरपीएफ की भी दो तीन मेरे पास में ज्वाइनिंग लेटरों की फोटो आ चुकी है। तो दोस्तों, ज्वाइनिंग शुरू हो गई है आप सभी की, अब 15 मार्च के आसपास ज्वाइनिंग है सभी को, फेक नहीं है, किसी की 15 मार्च की है। अभी तक जो ज्वाइनिंग लेटर है उनकी सभी की सीआरपीएफ वालों की 15 मार्च की ज्वाइनिंग है, और चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, सभी की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। तो पहली बात तो ये फेक नहीं है, इसको आप ये ना सोचें कि फेक है, फेक बिल्कुल नहीं है। ये ज्वाइनिंग लेटर आपके पास में आने में डाक की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, आप सभी को पता है कि कई ऐसे पोस्टल ऑर्डर है, कई ऐसी डाक सेवाएं हैं जहाँ थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी पूरे यातायात भी नहीं चल रहा देश में, और कुछ डाक पोस्ट भी वहाँ पर खाली वजह की वजह से थोड़ा लेट हो सकता है। एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि सर अगर हमारा ज्वाइनिंग लेटर हमको टाइम पर नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे? तो दोस्तों, मैं बता दूं, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, ज्वाइनिंग लेटर ना एक सरकारी डाक मानी जाती है। अगर कोई भी डाक या पोस्ट मास्टर आपको टाइम पर नहीं देता तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, इफ एनी केस ऐसा हो जाता है तो आपको तो पता है ना ज्वाइनिंग आ रही है, तो आप सर्च करते रहना पोस्ट मास्टर, उसके कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, उसको बता दो कि भाई मेरी ज्वाइनिंग आने वाली, या आपका जो पास में बड़ा पोस्ट ऑफिस है उस पर कनेक्ट कर लीजिए कि सर मेरी ज्वाइनिंग आने वाली है तो इस नाम से आने वाली, तो वो आते ही आपको कॉल करेंगे, तो इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है। तो ज्वाइनिंग लेटर आप तक पहुँच जाएगा दोस्तों, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। एक पॉइंट रहता है बैंक का, तो बैंक इस बार SBI मांगी, सभी ज्वाइनिंग लेटरों में SBI की बैंक अकाउंट मांगी। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कितनी बार बोल दिया मेरे वीडियो में कि ज्वाइनिंग लेटर के साथ में अटैच आएगा, तो आपने बना लिया बोल रहे हैं, हमने बना लिया उसका क्या, हमने बना लिया उसका क्या, उसका कुछ नहीं, वापस बनाना पड़ेगा जो ज्वाइनिंग लेटर के साथ में अटैच आया है, वो वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनाना है। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अब आपको ज्वाइनिंग लेटर में अटैच आएगा, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, जब मैंने अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाया था उसमें भी बताया था कि पीछे के कैरेक्टर सर्टिफिकेट आएगा, अगर नहीं आता तब आप बनाना और ज्वाइनिंग आने के बाद बनाना, एक तो बैंक अकाउंट और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके लिए मैं हमेशा बोलता रहा हूँ। तो पहली बात तो ये कि बैंक अकाउंट SBI का मांगा इस बार भी, तो SBI के आपके पास में चेकबुक, पासबुक और ATM कार्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर रहते हैं कि सर क्या हम ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाएं या सिंगल, तो दोस्तों जिसकी शादी हो गई वो ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकता है या सेविंग अकाउंट अपना सिंगल भी चल जाएगा, बाद में ज्वाइंट करवा लेना कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी अगर आप हो सके तो आप सिंगल भी चल जाना। और एक चीज़ और पूछते हैं कि सर जिसकी शादी हो गई वो क्या सर्टिफिकेट लेके जाएं, तो मैरिज का अपनी वाइफ का कोई फिलहाल सर्टिफिकेट लगेगा नहीं, लेकिन आप पे डिपेंडेंट का सर्टिफिकेट वैसे वहाँ पर डिटेल लिखी जाएगी, तो आपके पास में मेरी सर्टिफिकेट है तो उसकी फोटोकॉपी लेके जाना दोस्तों, तो वो काम में आएगी, आपको उसमें डिटेल भरनी पड़ेगी। तो आपका मेरी जो सर्टिफिकेट है वो जरूर लेके जाना, ताकि उससे क्या है जैसे आपकी लड़की के माता पिता के भी बारे में उसमें बोल सकते हैं, आपके सास ससुर का, आपके बच्चों की भी डिटेल भरनी पड़ेगी जिनके बच्चे हैं, तो वो जरूर आप लेके जाना, ताकि उससे आपको क्या होगा, फायदा होगा। दूसरा, मैं माता पिता की ID के बारे में पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि माता पिता की ID फिर भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं सर उनकी स्पेलिंग मीनिंग में थोड़ा मिस्टेक है, ये मिस्टेक वो मिस्टेक, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक में कोई टेंशन नहीं है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर हमारे डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक आ रही है, आधार कार्ड और पैन कार्ड और 10th क्लास की मार्कशीट, तो कोई बात नहीं, आप 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी एज सही होनी चाहिए, ठीक है, और उसके मैच जो ID खाती है वो ID आप जरूर लेके जाइए, जैसे अगर आधार कार्ड उसे मैच कर रहा है तो ID वो लेके जाइए। बाकी पैन कार्ड आपको बनाना जरूर है, पैन कार्ड अगर जिसने नहीं बनाया वो अभी अप्लाई कर सकता है पैन कार्ड के लिए, पैन कार्ड अवश्य चाहिएगा, पैन कार्ड आजकल अकाउंट के लिए अनिवार्य हो गया है, तो पैन कार्ड अवश्य चाहिएगा, और बैंक अकाउंट अपने पास में ही खुलवा लेना दोस्तों। इसके अलावा जो कुछ पॉइंट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ, जैसे एक तो नॉन ऑब्जेक्टिव वो सर्टिफिकेट आपके पास में 10th होनी चाहिए, 5,000 रुपये आपको लेके जाना है, तो 5,000 की जगह मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कम से कम आप 10,000 रुपये लेके जाना, और फ़ोनपे में
फ़ोनपे से हो जाता काम, तो अकाउंट में लेके जाना, कैश में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अकाउंट में लेके जाना, उसमें आप में कैश में अगर आप लेके जाओगे तो उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है कि आपको कैश में ही लेके जाना है, तो आप अकाउंट में लेके जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स उसमें बता रखा है, आपका डेट ऑफ बर्थ, TC का जो बोल रहे हैं, कई बोल रहे हैं कि TC में हमारे प्रॉब्लम है, तो आप TC ले लेना, आप जिसमें हो आपकी TC की शायद वहाँ आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, तो आप अपनी TC भी ले लेना अगर उसमें TC की ज़रूरत पड़े। उसके अलावा जैसे 10th वो फ़ोटो है, जो फ़ोटो आपको उसी समय जो फ़ोटो आपने अभी मतलब अभी रिसेंट की फ़ोटो क्लिक करवा लेना अपनी, और वो फ़ोटो ज़रूर साथ में लेके जाना। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लिखे हुए हैं, अब उसमें केस के बारे में ज़रूर लिखा हुआ है कि इफ़ एनी केस, कोई भी आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या कोई भी केस हो रखा है, तो उस दिशा में आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। एक उसमें पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग जिस जगह तक, यानी आप ज्वाइनिंग लेटर से मान लो लेके निकलते हो और जब तक ज्वाइनिंग नहीं कर लेते, जब तक कैब में रिपोर्टिंग नहीं कर लेते, उससे पीछे तक आपकी कोई भी हानि होती है तो उसका जिम्मेदार आपका डिपार्टमेंट नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी ट्रेन बस इनसे जा रहे हो दोस्तों, तो इसके लिए आपको सबसे पहले, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, रिजर्वेशन अभी कर लेना। जैसे ज्वाइनिंग लेटर आपके पास में था, आप रिजर्वेशन कर लेना, उससे क्या होगा कि आपकी रिजर्वेशन हो जाएगा तो परेशानी नहीं होगी। और ये बात ध्यान रखना, उसमें साफ साफ लिखा हो उसको, अगर आप ही बुक होगे, ये नहीं कि आप ज्वाइनिंग लेटर, अगर आपके पैर में चोट आ गया बोल दो कि मैं तो आ जाया था, तो वो वहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वहाँ बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होंगे आप। इसलिए ध्यान रखना, ध्यान से रिजर्वेशन कर लेना और अच्छे से जाना, ये बात विशेष। इस दूसरी एक पॉइंट और है जो कोर्ट केस वाला मैंने बताया था, एक बार और रिपीट मार दूँ, अगर कोर्ट केस में किसी का केस चल रहा है, ठीक है, तो पनिशमेंट नहीं है जब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मेरे को बार बार मैसेज कर रहे हैं। हाँ, एक पॉइंट और आ रहा है पाइल्स वाला, पाइल्स और बवासीर वाला भी ज़्यादा आ रहा है कि सर हमको पाइल्स हो गई है तो अब हमारा क्या, जब रीमेडिकल होगा तो फिर वापस प्राइवेट पार्ट्स चेक होंगे या नहीं होंगे, तो इसके बारे में भी साथ में मैं टिप्स दे रहा हूँ, तो एक इसमें बता दूँ कि पाइल्स का आप वैसे तो इलाज करा लीजिए, वैसे आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पाइल्स ऐसी कोई मतलब बड़ी डिशेज नहीं है जिस तैयार नहीं होती, जिसमें आपको मेडिकली अनफिट किया जाए, ऐसी कोई डिशेज है नहीं पाइल्स। मेडिकल के समय आप फिट हो तो फिट हो, लेकिन फिर भी अगर आपके है तो आप इसको इलाज करवा लीजिए। और कई बोल रहे हैं कि दोस्त सके सर हमारे कोई ऑपरेशन होगा, किसी चीज़ का ऑपरेशन के भी बारे में मेरे को बोल रहे हैं, तो अभी ऑपरेशन कराना, अगर आपका एक महीने के अंदर अंदर ठीक होता है तो आप करा सकते हो, लेकिन अगर एक महीने से ज़्यादा समय लगता है तो आप ऐसी गलती कतई नहीं करना, ठीक है। तो फिर आप ज्वाइनिंग करना, ज्वाइनिंग सेंटर में जाना, वहाँ ज्वाइनिंग करना अच्छे से, उसके बाद में जो होगा वो वहाँ पे डॉक्टरों से मिल लेना, या ज्वाइनिंग करने के बाद में अगर आपको ट्रेनिंग नहीं कर पाते तो वहाँ पे मिलके बोल देना कि मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊँगा, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आपको इलाज के लिए टाइम मिल जाएगा दोस्तों। इसके लिए मैं पहले बता रहा हूँ, और जिनके पाइल्स वाला पॉइंट है, एक ओवर वेट वाला, अंडर वेट वाला भी आ रहा है, तो ओवर वेट वाले थोड़ा सा वेट कम कर लीजिए, कोई चिंता नहीं है, तो वो भी एक पॉइंट नहीं बनता, मेडिकली अनफिट का पॉइंट वो नहीं बनता आपके, तो उसके लिए आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।